हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गेम भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार, एक प्रोफेशनल एक वीडियो में आज दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एजुकेशनल चैनल के बारे में। दोस्तों यदि आप एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और दोस्तों आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, जैसे आपके जो डाउट्स हो सकते हैं जैसे कितने सब्सक्राइबर पर कितना पैसा मिलता है, कितने वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे नेक्स्ट कई लोगों का होता है कि पैसा कब मिलता है, क्या हर महीने कमाई होगी, जो पैसा मिलता है वो लाइक का मिलता है, सब्सक्राइबर का मिलता है या शेयर का मिलता है, किस चीज का पैसा मिलता है। दोस्तों ऐसे काफी डाउट्स होते हैं जो आपके होते हैं। दोस्तों इन डाउट्स के बारे में इस वीडियो में हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आपका एजुकेशन चैनल पर कितने सब्सक्राइबर पर पैसा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं आपके, इससे डिपेंड नहीं करता है कि सब्सक्राइबर पर कितना पैसा मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो YouTube की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपके सब्सक्राइबर चाहे कम हो चाहे आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हो, अगर आपके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, दोस्तों जो एड्स आते हैं आपके वीडियोस पर उन एड्स का पैसा आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई एक आपका वीडियो है, अब दोस्तों उस वीडियो को जब आप चला रहे हैं तो दोस्तों वो है मान लीजिए 15 मिनट का। अब दोस्तों उस 15 मिनट के वीडियो में मान लीजिए 3 ऐड आ गए, दोस्तों इन 3 ऐड का जो रेवेन्यू होगा वो आपके अकाउंट में क्या एड अप कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या है, जो आपका एडसेंस अकाउंट होता है उसमें 3 ऐड का पैसा क्या है एड हो जाता है। मतलब ओवरऑल बात ये कि जो पैसा आपको मिलता है वो सब्सक्राइबर्स का नहीं है, वो पैसा आपका होता है एड्स का। तो सब्सक्राइबर्स को लेके आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने वीडियोस आपको बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं कितने वीडियो आपको बनाने पड़ेंगे, तो दोस्तों यहां पर आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ वीडियोस डाल के अगर पैसा आया तो ठीक है, नहीं तो मैं काम बंद कर दूंगा, तो दोस्तों इस काम को आप शुरू ही ना करें, क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है तो दोस्तों रेगुलर वे में आपको वीडियो पोस्ट करने पड़ेंगे, दोस्तों कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों जिस तरीके से आपका एक जॉब होता है दोस्तों सेम उसी तरीके से ये भी आप समझ सकते हैं, ये यूट्यूब का जॉब है जो आपको घर बैठे करना है। बस दोस्तों आपको एक बात ये समझनी है कि यहाँ जो आपका पैसा आ रहा है जो आप वीडियोस बना रहे हैं वो डिपेंड करेगा वीडियोस पर। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की वीडियो ज्यादा है, दोस्तों सारे के सारे वीडियो उस पर्सन के चल रहे हैं, दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो ज्यादा आएगा। दोस्तों इस जगह अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा और दोस्तों उसके साथ साथ में कई चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है उसको सारी चीजें समझ में आए। तो दोस्तों दो पॉइंट आपके कवर हो गए। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट, वो है आपका पैसा कब मिलता है। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्रिएटर के लिए जब वो एजुकेशन चैनल स्टार्ट करता है कि वो किस तरीके से पैसा आएगा और कब आएगा। दोस्तों जैसा यहाँ पे लिखा हुआ पैसा कब मिलता है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जब भी आपका $100 हो जाता है, दोस्तों जो मिनिमम पे आउट है वो है $100। दोस्तों जब भी आपका $100 हो जाता है तो दोस्तों जो आपका पेमेंट होता है वो एडसेंस की तरफ से आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जो आपका पेमेंट रेज की जो डेट होती है वो हर महीने 22 तारीख को भेजा जाता है, और दोस्तों खाते में आते आते लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों आप मान के चलिए 22 तारीख को एडसेंस रिलीज होगा, दोस्तों बैंक खाते में लगभग 25-26 तारीख के आसपास आ जाता है, और दोस्तों अगर कभी डिले होता है तो दोस्तों ये मान के चलिए 30 तारीख के आसपास ये जो आपका पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि पैसा कब मिलता है, कि पैसा ये आपको पता चले कि $100 पे मिलता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आपके पैसा तभी आप कमा पाएंगे जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और तो 1000 सब्सक्राइबर के साथ साथ में आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे का पूरा होगा तभी आपके पास पैसा आना शुरू होगा। और दोस्तों पैसा आना तभी शुरू होगा जब आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए आपको एक एडसेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, और दोस्तों वहां से आपके पास पैसा आना शुरू होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पैसा कब आएगा,
ऐसा तब आएगा जब आपके एग्जाम सब्सक्राइब 4 घंटे पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें भी कंडीशन है, इसको समझ लीजिए, 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे के फर्स्ट टाइम है। दोस्तों कंडीशन ये है कि ये जो समय है ये चीज आपको पूरा करना पड़ेगा निश्चित समय में, वो है आपके पास्ट 12 मंथ। दोस्तों पास्ट 12 मंथ के अंदर आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप 12 महीने से पहले भी कंडीशन फॉलो करते हैं ये, तो दोस्तों उस जगह भी आपके पास पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, आपका जो चैनल का मोनेटाइजेशन वो इनेबल हो जाएगा। दोस्तों मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि पैसे आना आपके चैनल पे शुरू हो जाता है। दोस्तों मोनेटाइजेशन बेसिकली होता यह है कि जो आपके चैनल पे वीडियो पड़े होते हैं दोस्तों, उन वीडियोस पर क्या है एड आना शुरू हो जाता है। तो जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है वो उन वीडियोस पर शुरू हो जाता है जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन में चला जाता है। दोस्तों मोनेटाइजेशन में चले जाने के बाद वो आपका जब अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ चैनल मोनेटाइज हो चुका है, दोस्तों आपके चैनल पे जो वीडियोस होते हैं उन पर एड आने के शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब आप वीडियो अपलोड करेंगे नया, दोस्तों वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्या आप मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं। दोस्तों उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आप ऑन करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आप ऑफ करेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियोस होते हैं उनको भी आपके मोनेटाइजेशन का भी इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि जब आपने चैनल स्टार्ट किया होगा उस समय दोस्तों उनका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उस समय आपका पैसा ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल का फीचर आपको मिल जाता है, दोस्तों आप सारे के सारे वीडियोस पर मोनेटाइजेशन इनेबल का फीचर क्या लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी पैसा कब आता है, अब दोस्तों बात आती है कि क्या हर महीने कमाई होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप स्टार्ट करेंगे चैनल और उसकी वजह आपको मोनेटाइजेशन अप्रूवल मिल जाए कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन में चला गया, दोस्तों उसके बाद मोनेटाइज आपका चैनल हो गया, दोस्तों उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि हर महीने कमाई आएगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ समय बाद जब आपके काफी समय हो जाएगा, काफी समय का मतलब जोड़िए समय ही काफी हो, ओवरऑल बात यह कि जब आपके चैनल पे $100 बनना का शुरू हो जाएगा हर महीने, तो दोस्तों पैसा आ जाएगा। दोस्तों आपके चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें जो एड आते हैं उनसे अगर दोस्तों $100 नहीं बन पाया एक महीने के अंदर, तो दोस्तों आपको जो है कमाई नेक्स्ट मंथ में आपकी एड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने जो है चैनल स्टार्ट किया अप्रैल में, जैसे मान लीजिए आपका चैनल जो है स्टार्ट किया आपने अप्रैल में, अब दोस्तों नेक्स्ट 6 मंथ बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन में चला के दोस्तों अप्रूव होने के बाद आपका समय आ गया अक्टूबर। अब दोस्तों अक्टूबर में आपका पैसा आना क्या शुरू होना चाहिए। अब दोस्तों अक्टूबर में जो आपके चैनल पे एड आएंगे, दोस्तों जो भी आपके चैनल पे एड आएंगे, अब दोस्तों उन एड का जो रेवेन्यू होगा वो आपके एडसेंस अकाउंट में एड होगा। दोस्तों अक्टूबर का रेवेन्यू जो है आपके एडसेंस अकाउंट में एड होता जाएगा। अब दोस्तों अगर $100 आपका हो गया, अगर अक्टूबर में आपका $100 हो गया, दोस्तों ये जो अक्टूबर का पेमेंट है वो आपको नवंबर में मिलेगा। दोस्तों नवंबर को 22 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा एडसेंस की तरफ से, और दोस्तों 25-26 तारीख के आसपास आपके बैंक खाते में आ जाएगा। अब दोस्तों आपका हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट। दोस्तों लास्ट पॉइंट है आपका क्या लाइक सब्सक्राइब और शेयर का पैसा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा यूट्यूबर होते हैं जो आपसे बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ऐसा क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑडियंस का एंगेजमेंट होता है वो पता चलता है इन्हीं चीजों से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके चैनल पे आया, उसने लाइक किया इसका मतलब वीडियो अच्छा है, उसने कमेंट किया इसका मतलब ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है, उसने सब्सक्राइब किया इसका मतलब वो उस चैनल को आगे भी देखना चाहता है। तो ओवरऑल बात क्या है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब से क्या होगा, एंगेजमेंट आएगा। और दोस्तों जितना एंगेजमेंट आएगा उतनी ज्यादा कमाई बूस्ट अप करेगी। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको अर्निंग करनी अच्छी है तो इसलिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जब इनका पैसा नहीं है तो पैसा किसका है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको कई बार बीच में बोला कि जो आपके वीडियो के बीच में एड्स आते हैं उनका रेवेन्यू होता है। क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है कि काफी ज्यादा कंपनीज अपने इंडिया में, दोस्तों इंडिया में काफी ज्यादा कंपनी, दोस्तों इंडिया में जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाती हैं, या फिर कह सकते हैं वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं।
वो ऑनलाइन पे अब आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट सारे दोस्तों। ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो दोस्तों काफी चीप पड़ते हैं दोस्तों, इस वजह से क्या है यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट मिलता है दोस्तों, उसी अमाउंट से यूट्यूब हमको पेमेंट देता है। तो इस तरीके से जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट समझाए। दोस्तों यदि फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो दोस्तों आपकी सारी प्रॉब्लम को हम कमेंट बॉक्स में देख लेंगे और दोस्तों आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा हम क्या है डिस्कस कर देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछिएगा। और दोस्तों अगर लगता है आपको वीडियो शेयर करना चाहिए, मैंने आपके मेहनत की है दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे तो दोस्तों जुड़ने के लिए सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना है दोस्तों। ऐसा करें तो जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा फेसबुक पेज है आइए क्या बड़ा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस, दोस्तों फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और साथ साथ जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे पेज पर भी लाते रहते हैं दोस्तों। फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के शुक्रिया।